बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर कांग्रेसियों ने महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में अंबेडकर चौक स्थित उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके संबंध में पार्टी के महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक समरसता के शिल्पकार थे और उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया था। देश के सभी धर्मों सभी जातियों को एक धागा में पिरोकर एक करने का काम किया, जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनके परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम सभी कांग्रेसी संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब के दिखाए मार्ग पर चलकर देश का नाम रोशन करेंगे। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष रोहन पांडे सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी के महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने कहा, आशुतोष तिवारी अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी गोरखपुर। देखिए आज हम सभी लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो सामाजिक समरसता के शिल्पकार थे, जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण करके इस देश के सभी वर्गों सभी जातियों सभी धर्मों को एक धारा में पिरोकर उन्होंने जो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति दिया लोगों को, इस जिस तरह से उन्होंने भारतीय समाज को एक एक साथ ले चल करके संविधान के अंतर्गत हमें इस देश में रहने का अपने बातों को कहने का अपने अधिकार को जो है सरकार के शासन के चाहे जो भी सक्षम लोगों हैं उन तक पहुंचाने का जो एक रास्ता दिया, उनका योगदान इस देश के लोग कभी भूल नहीं सकते। बाबा साहब हम सब के दिलों में हमेशा के लिए अमर हैं अपने योगदान के बल पर। आज उनके परिनिर्वाण के दिवस पर हम सभी कांग्रेस जन महानगर कांग्रेस कमेटी गोरखपुर के तत्वाधान में उनको नमन करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का और उन्होंने जो संविधान बनाया है उस संविधान के अनुसार चल करके भारत देश को खुशहाल बनाने का संकल्प लिए हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हमारे दिलों में जीवन पर्यंत सदैव अमर रहेंगे।